हेलो बच्चों, 10th क्लास। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ। पिछले टॉपिक में हमने किया था, क्या किया था? रिफ्रैक्शन किया था, अगर याद है आपको तो। रिफ्रैक्शन किया था और उसके अंदर हमने किया था, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, भटक जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब वो विचलित हो जाती है तो वो मिन अपने जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्शन एंगल है, दोनों में क्या आ जाता है, तब्दीली आ जाती है। तो उसके ऊपर स्नेल्स ने एक लॉ दिया, स्नेल्स लॉ के नाम से जिसको जाना गया। तो स्नेल्स लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो स्नेल्स लॉ के बारे में आज मैं बता देता हूँ, स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ क्या होता है? देखो, स्नेल्स लॉ कहता है जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम पर टकराती है तो वो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। आर और ये आई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये आई एंगल जो है और ये आर एंगल है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है, वो होता है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, विच इज इक्वल टू म्यू ए टू बी और बी टू ए, बी टू ए। ये डिपेंड करता है मीडियम पर, ठीक है। तो ऐसा क्यों कि भाई साइन आई बाई साइन आर म्यू के बराबर है। उसने ये कहा जो इंसिडेंट एंगल है उसका रेशियो, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका रेशियो किसके बराबर होगा? म्यू के बराबर। और यहां पर म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में हम कल जिक्र कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता बच्चों? कल मैं बता रहा था कि ये मान लो कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है और ये मीडियम अपने अंदर से लाइट को जाने देगा कि नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, अंदर लाइट जाने देगा कि नहीं जाने देगा। ये डिपेंड करता है किस पे? इस मीडियम पे। अब ये ऑप्टिकली उसको प्रेफर करेगा कि नहीं करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जैसे ये दीवार है, चाहे आप किसी फट्टे को लो, चाहे आप किसी कागज को लो या किसी प्लास्टिक की चीज को लो या लकड़ी के टुकड़े को लो, अगर उसके अंदर से लाइट नहीं जा रही तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है आपके मीडियम पर, मीडियम उसको अलाव करता है कि नहीं करता। और वो अलाव अगर करता है तो ऑप्टिकली उसको प्रेफर कर रहा है, वरना अलाव नहीं कर रहा तो ऑप्टिकली उसको प्रेफर नहीं कर रहा, मतलब लाइट को अपने अंदर से जाने नहीं दे रहा, मतलब ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट आ जा सकती है, आराम से जा सकती है, आराम से आ सकती है, बट उसकी स्पीड में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाता है, उसके रास्ते में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से मीडियम चेंज होने की वजह से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ या डेंसर टू रेयरर मीडियम की तरफ। तो आप ये देखेंगे, ठीक है, तो रेयर से डेंसर में गई तो टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, जब डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में आपको बता देता हूं, इसको नॉर्मल कहते हैं हम लोग, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है जो हमने किया। तो आप देखते हैं कई बार पानी में सिक्का उठा हुआ देखते हैं, उसका रीजन भी रिफ्रैक्शन है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो थोड़ी सी अटी हुई दिखती है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है ऐसे, तो उसका रीजन भी क्या होता है, तालाब के अंदर, तो वो सारा रीजन क्या होता है, वो रीजन होता है आपका रिफ्रैक्शन। उस रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि भी लाइट ऊपर जा रही है, थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी आगे या थोड़ा सा पीछे चली जाती है, तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ में आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक प्रकार का मीडियम की ही परमिशन होती है, वो मीडियम उसको लाइट को अपने अंदर से जाने देगा कि नहीं जाने देगा, वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। क्लियर है? तो ये है आपका स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये क्या है आपका? स्नेल्स लॉ। तो लाइट के बारे में हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आई इज इक्वल टू आर के बराबर था, और एक हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर मीडियम चेंज होता है और मीडियम चेंज होने से साइन आई बनता है और एक साइन आर बनता है, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है, वो डिपेंड करता है म्यू के ऊपर, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनकी अलग अलग मीडियम की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, जैसे पानी हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास के अंदर अलग तरीके से लाइट जाएगी और पानी के अंदर अलग तरीके से। तो जैसे ही लाइट एंट्री करती है हवा से पानी के अंदर, तो वो आप देख सकते हो
रेयर से डेंसर मीडियम में। क्लियर हो गया? तो स्नेल्स लॉ आज हमने किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नेल्स लॉ। जब भी आप मीडियम चेंज करके पढ़ेंगे किसी भी, तो आप ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसके अंदर भी करेंगे। जैसे आपने मीडियम चेंज किया, एक स्लिट वाला मीडियम अलग है, दूसरे वाला अलग है, एक अलग मीडियम है, तो दो अलग अलग मीडियम, फिर उसके बाद मीडियम फिर चेंज होता हो जाता है, तीसरा मीडियम अलग चेंज हो जाता है, उसके अंदर ही जैसे ये मीडियम था, एक मीडियम ये था, फिर एक मीडियम मतलब एयर टू वाटर अगर गए, वाटर टू एयर गए, तो आपको उस जो रे ऑफ लाइट है उसके डिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता लग जाएगा, तो वो आपको एक्सपेरिमेंटली पता लग जाएगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक विच इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर।